अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने फिल्मों में बहुत सारी ऐसी हॉरर फिल्में जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी हमें नजर आती है जिसमें कोई ना कोई ड्रिकोला जो होता है वो खून पीता नजर आता है, और इसी तरह बहुत सारी किताबों में वो चीज़ें हमें नजर आती हैं। हम जब कोई डायजेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी या खातून या कोई मर्द या ड्रिकोला बन के वो खून पीता नजर आता है या पीती नजर आती है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बड़े मजे की है और मैं खुद भी हैरान हूं जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी। ये स्टोरी काफी दिनों की है लेकिन ये अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है, और वायरल होने के बाद जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी हैरानी हुई कि एक खातून डॉक्टर जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से और रावलपिंडी के होली फैमिली में वो जॉब करती थी, लेबोरेटरी में वो जॉब करती थी, डॉक्टर युसरा उसका नाम है। और डॉक्टर युसरा जो है वो काफी अरसे से वहां पे जिस तरह क्योंकि लेबोरेटरी में काम करती थी, जो जितने भी खून वहां पे आते हैं टेस्ट के लिए दिए जाते हैं वो उस खून को पी जाती थी। अजीब सी बीमारी है वाकई में बहुत सारी चीजों, क्योंकि इंसानी खून कहा यह जाता है कि इंसानी खून वाकई बहुत मीठा है, हमने तो ये झगा है, लेकिन डॉक्टर युसरा से पूछना होता कि वाकई ये मीठा है कड़वा है। लेकिन ये बीमारी पूरी दुनिया में पाई जाती है, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज्यादा पाई जाती है और खासकर अमेरिका में ये वाली बीमारी बहुत ज्यादा है कि जो इंसान का खून है वो बहुत ज्यादा पिया जाता है और ये समझ नहीं आती कि क्यों पिया जाता है लेकिन पिया बहुत जाता है। लेकिन डॉक्टर युसरा के हवाले से जब तहकीकात की गई, पहले तो पता किया गया, क्योंकि जाहिर बात है कि ये केस पहली बार आया था, इससे पहले बहुत सारे केसेस भी आए कि एक शख्स जिसका ताल्लुक मेरे ख्याल में सिंध या पंजाब से था, गालबन मुझे अब पूरा याद नहीं है, लेकिन वो जिस तरह वो कब्रों में कब्रिस्तान में जाकर वो ख्वातीन जो मुर्दा ख्वातीन थे उनके साथ ज्यादती करता था, इस तरह के बहुत सारे। अच्छा, एक और केस ये था कि मुर्दों को निकाल के उसका गोश्त निकाल के वो पकाया जाता था और पूरा खाया जाता था, ये सिंध में ये स्टोरी आई थी, एक और स्टोरी भी थी। तो इस किस्म की स्टोरियां तो हमने सुनी है, आपने भी सुनी होंगी, टेलीविजन पे भी देखा होगा, लेकिन ये मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो डॉक्टर युसरा पर के हवाले से अब तहकीकात की गई तो पूरी कमेटी बैठी और कमेटी में ये इंकशाफ हुआ कि 7,669 खून के नमूने जो हैं वो डॉक्टर युसरा की लेबोरेटरी में गए और युसरा ने कमाल की वो सारे जितने भी थे उसको नोश फरमाया, वो खून पिया उन्होंने बाकायदा, और उनके जब टेस्ट हुए तो उसमें भी ये रिपोर्ट आई। तो अभी डॉक्टर युसरा जो है उसके हवाले से कमेटी भी बना दी गई और उस कमेटी में इनके शफात जब सामने हुए तो उसके बाद तहकीकात हुई, तहकीकात जब कंप्लीट हुई तो डॉक्टर युसरा को जो है अब क्योंकि जाहिर बात है ऐसी मरीजा को ट्रीटमेंट के लिए दाखिल कराया जाता है, मुख्तलिफ सेंटर्स इसके लिए बने हुए हैं, और डॉक्टर युसरा के घर वालों के साथ भी राबता किया गया पर घर वालों की जानिब से कोई जो है वो वहां से कोई रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने उसको एक सेंटर भेज दिया जहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे मुल्क में ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं सामने और ज्यादा हो रहे हैं। मगरब की दुनिया में हम देखते थे कि इस किस्म के केसेस बहुत ज्यादा हैं और मगरब में मुख्तलिफ चीजों के हवाले से केसेस चलते हैं, ज्यादातर वो फिल्में देख के या हॉरर फिल्में उससे ज्यादा वो इंस्पायर्ड होते हैं और वो हरकतें करते हैं। आपने देखा कि स्कूल का बच्चा निकल के उसने फायर मार दी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को उसने हलाक किया, तो इस किस्म की चीजें तो हम देखते थे लेकिन पाकिस्तान में पहली बार इस किस्म के जब केसेस आते हैं तो हैरानगी होती है, और सोशल मीडिया पर जब वायरल होते हैं फिर सोचता है बंदा कि हाँ इसके बारे में तहकीकात की जाए। तो तहकीकात से यह पता चला कि भाई डॉक्टर युसरा इस किस्म की हरकत में मुलविस थी, अब उसका बाकायदा ट्रीटमेंट चल रहा है। सो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें।